गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे AI प्लस वन क्लास की, यानी कि लेवल थ्री की। और वाले जो फ्रेंड्स हैं उन सभी को बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्योंकि ऑटोमोबाइल हो या मैकेनिकल हो या कोई भी ऐसा फील्ड हो जहां पर हमें नई चीजें बनानी पड़ती हैं, वहां पर हमें ड्रॉइंग्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उनमें कौन सी चीजें यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, कैसे वो सब करते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कोई भी चीज है हमें बेसिक से शुरुआत करनी पड़ती है। आपने पांचवी क्लास से ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया था तो आपको ये वर्डिंग समझ में आ गई होगी कि ये होता क्या है। कंस्ट्रक्शन यानी किसी चीज को बनाना, ज्योमेट्रिक स्केल्स के हिसाब से उसे बनाना, कैसे वो मैं बात बताऊंगा आपको। बेसिक्स तो आपको निचले स्तर से शुरू करना पड़ेगा, शुरुआत से बिल्कुल सीखना पड़ेगा, ठीक है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, थैंक यू। तो उसके लिए देखिए, आपको पहले मैं बता दूं कि इनकी सीखने की जरूरत पड़ती क्यों, ठीक है। आप एक बात बताइए, हमने बस बना दी, ठीक है, तो क्या आपने कोई ऐसी ड्राइंग देखी है जो बस जितनी बड़ी हो? क्या हम एरोप्लेन बनाते, क्या हमारे पास इतना बड़ा पेज होता है कि हम एरोप्लेन बनाते हैं, या हम इतनी 100 मंजिल बिल्डिंग बनाते हैं, क्या हमारे पास इतना बड़ा पेज होता है कि हम उसके ऊपर उसका ड्राइंग बना सके, कंस्ट्रक्शन कर सके, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन कर सके। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन किस्म से क्या है, उसकी ड्राइंग है, स्केलिंग ड्राइंग, तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास चीज है, ठीक है, बाई चांस है, हमने कोई भी एक चीज बनाई, मान लीजिए मैं एक ईंट की बात कर लेता हूँ, ये हमने ईंट बना दी, ठीक है, या बॉक्स की बात कर लेते, चलो एक जूते का डब्बा बना लेते हैं, मान लीजिए हमने जूते का डब्बा बना लिया, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमने इसमें बना दिया, कोई हमारे पास एक सीट थी उस पर हम 10x5 का बना दिया। लेकिन सीधी सी बात है, क्या जूते 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के डब्बे में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्केलिंग कर देंगे कि भाई इसकी सेलिंग स्केलिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, स्केलिंग करके इसको डबल कर देंगे। मतलब ये ड्राइंग हमने बना दी, जो चीज बनानी है इससे कितना बनाना है, 2 गुना स्केल करके बना दो भाई, तो रियल चीज क्या बन के आएगी, 10 की 20 हो गया, 10 का कितना हो गया 20, और 5 का कितना हो गया 10, तो ये हमारे बॉक्स। स्केलिंग का मतलब क्या, जो भी हमने चीज बनाई जिसकी उसकी स्केलिंग करनी है, तो लेंथ नहीं, हाइट भी, विड्थ हर चीज की क्या होगी, उतनी ही गुना स्केलिंग हमने करनी पड़ेगी। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि इसकी सिर्फ लेंथ लेंथ को 2 गुना कर देंगे, हाइट उतनी ही रहने देंगे, ऐसा नहीं होगा। कि ड्राइंग के अंदर जो स्केलिंग होती है उसकी हर एक डायमेंशन के ऊपर काम करती है, कहां काम करती है, हर एक डायमेंशन के ऊपर। देखिए, आप घरों का नक्शा बनवाते हैं, ठीक है, आपको एक शीट मिलती है प्रिंट निकाल के, उस शीट के ऊपर ही ये आपका भाई यहाँ बेडरूम हो गया, ये आपकी लॉबी हो गई, ये आपका डाइनिंग हॉल हो गया, ये आपका गेट हो गया, और यहीं पे लिखा होता है 10 फीट। क्या ये कागज 10 फीट है? नहीं है, लेकिन हमने बनाना कितना है, 10 फीट बनाना है, ठीक है। तो ये चीज होती है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब बात करेंगे कि हम इनको बनाने के लिए यूज क्या क्या करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम ड्राइंग बोर्ड। देखिए, पेपर के लिए हमें नीचे सपोर्ट चाहिए, तो वो क्या है, ये है ड्राइंग बोर्ड हमारा नंबर 1। इसके ऊपर हम अपना क्या करेंगे, सीट को रखेंगे। आगे टी स्क्वायर, ये है हमारा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर में क्या होता है, ये टी नुमा होता है, इसकी जो दोनों साइड है ये 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री। तो ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन लगाने के लिए, इस तरह की लेंस लगाने के लिए, इस तरह की खड़ी लाइन लगाने के लिए हम इसका 90 डिग्री पे यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है मिनी ड्राफ्टर। ये मिनी ड्राफ्टर क्या है, एक किस्म से टी ही था, लेकिन क्या था कि टी से हम सिर्फ या तो इस तरफ 90 डिग्री और इस तरफ 90 डिग्री पर कोई या तो वर्टिकल लगा सकते हैं या हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं, लेकिन एंगल पे नहीं लगा सकते। तो मिनी टी स्क्वायर की जगह हम क्या यूज करते हैं, मिनी ड्राफ्टर। ये है हमारे पास मिनी ड्राफ्टर, इसमें बड़ा भी आता है, ठीक है, वो बिग ड्राफ्टर हो जाएगा, तो ये मिनी ड्राफ्टर है। मिनी ड्राफ्टर के अंदर ये मेन स्केल रहता है हमारा, ये क्या है हमारा मेन स्केल, यहाँ पे कौन सा एंगल बना होता है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। और ये जो पोर्शन दिया हुआ है इसके ऊपर 360 की क्या होती है, डिग्री बनाई होती है, 360 का स्केल होता है। तो ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स सारे क्या है, मूवेबल होते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आपके ड्राइंग बोर्ड के इधर कॉर्नर पे लग जाएगा, और इस स्क्रू से क्या करेंगे हम, स्क्रू है या जो नट है, इसे हम क्या कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, तो ये हिलेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा। तो इस मूवमेंट्स के करके हम पूरी सीट पे क्या है, एंगल के ऊपर भी लाइनिंग लगा सकते हैं,
हॉरिजेंटल वर्टिकल तो लगा ही सकते थे, लेकिन अब एंगल पे भी लगा सकते हैं मिनी ड्राफ्टर की जगह, ये यूज होता है मिनी ड्राफ्टर, ठीक है जी। इसके बाद अब बात करें प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर क्या होती है डी, इसको हम आमतौर पर बोलते रहते हैं डी, डी का क्या काम होता है, वन से लेकर के यहाँ 180 डिग्री क्या है इसके ऊपर एंगल बने होते हैं, हम पॉइंट्स लगाते हैं और एंगल मेजर कर देते हैं। आगे है ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स को तो आपको पता ही है, ज्योमेट्री बॉक्स जिसके अंदर पेन पेंसिल वगैरह अपने रखते हैं, ये रखते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि आप स्केयर्स भी आते हैं, क्या आते हैं स्केयर्स, स्क्वेयर, इसमें क्या रहता है ये पॉइंट 90 का रहेगा, ये 45 एंड ये 45, ऑटोमेटिक बनाए बनाए हम कहीं भी इसको पुटअप करके यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास सारी चीजें होगी, अब ड्रॉ भी तो करना है, ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए, ठीक है। तो पेंसिल भी अलग अलग प्रकार की आती है, हार्डनेस में भी आती है, सॉफ्ट में भी आपको देखने को मिल जाती है। इरेजर, पेंसिल से कोई भी चीज हमें गलत बनाई उसको इरेज करने के लिए, रबर्स जो आप देखते हैं घरों में, और शार्पनर या पेंसिल कटर, पेंसिल क्या है उसको साफ करने के लिए, आगे से साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शार्पनर की नीड होती है, जो आप सबको पता है, पांचवीं क्लास दूसरी क्लास से हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्राइंग पेन, दिस इज ड्राइंग पेन, ठीक है। ड्राइंग पेन क्या रहती है, ये ऊपर प्लास्टिक का हिस्सा रहता है, इसका टॉप जो है वो हम हाथ से क्या है थंब से यूज करते हैं, नीचे पिन होती है, तो हम इसको क्या करें ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं। लगाते क्यों, देखिए ये ड्राइंग बोर्ड था, ये मेरी सीट थी, अब ये सीट क्या बार बार हिल सकती है, अगर मैं ड्राफ्टर लगा दिया तो बार बार मेरी सीट हिलेगी, तो उसको रोकने के लिए क्या करूंगा, ये पिन है चारों कोनों पर चार पिन लगा दूंगा, तो मेरी सीट क्या फिक्स हो जाएगी, ठीक है, ड्राइंग जो है हिलेगी नहीं। आगे क्या बात करेंगे, ड्राइंग शीट्स, देखिए कुछ बनाने के लिए ड्राइंग शीट तो चाहिए हमें, जो कि A4 साइज से लेकर के बड़े बड़े साइज में हमें उपलब्ध है, मिल जाती है मार्केट में, ये व्हाइट कलर में भी आती है, ब्लैक में भी आती है, और भी कलरफुल्स है, लाइट कलर में आपको मिल जाती है। उसके बाद क्या है डस्टर, डस्टर का यूज क्या है, डस्टर का मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप सीट पे काम कर रहे हैं और आपकी सीट पे जैसे आपने कोई इरेज की कोई भी चीज, तो वो डस्ट, डस्ट को हटाने के लिए, तो आप कोई भी सॉफ्ट व्हाइट कलर का कपड़ा यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे डस्टर। फिर हमारे पास स्केल, एक तो हमारे पास होता है प्लास्टिक का स्केल या स्टील रूल, ठीक है, ये तो है। इसके अलावा बात करें ड्राइंग स्केल की, इंजीनियरिंग स्केल, इंजीनियरिंग स्केल में क्या होता है, एमएम के अंदर सारी चीजें दी होती है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे। उसके बाद स्केचबुक, देखिए स्केचबुक कब यूज करेंगे, जब हमारे पास ड्राइंग बोर्ड नहीं है, सीट नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे स्केचबुक, स्केचबुक में क्या होता है कि 10 से 20 सीट आपको ड्राइंग्स की उसमें प्रॉपर साइजें मिलती हैं, तो उसमें क्या है आप अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थे बेसिक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन के लिए, हमारे पास इक्विपमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होने ही होने चाहिए ताकि हम एक अच्छी ड्राइंग बना सके और एक बेहतर डिजाइन भी बना सके। तो इसके अलावा एक चीज और है मेन, उसको बोलते हैं हम प्रकार, ठीक है, और डिवाइडर। प्रकार कौन सा होता है, देखिए डिवाइडर तो वो होता है जिसमें सिर्फ नीचे की तरफ दो पिन बनी होती है, ठीक है, ये मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ पिन पॉइंट्स लगाने के। एक इसी टाइप में एक और होता है जिसको हम बोलते हैं प्रकार, ठीक है जी, यहां पर पेंसिल लगाने का स्टैंड बना होता है और यहाँ पे होती है पिन। तो कोई भी सर्कुलर शेप है, कोई भी हमें कर्व लगाना है, अर्क लगानी है या सर्कुलर शेप बनानी है, तो हम किससे करते हैं, हमारे प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस जो कि हमें बहुत ही जरूरी है। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला है कि एक रेखाखंड है हमारे पास कोई भी, इसको दो समान भागों में विभाजित करनी है। तो मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है कोई भी, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए बी मेरे पास एक रेखाखंड, एक लाइन है। देखिए अगर इसकी सेंटीमीटर कुछ ऐसी लेंथ हो जो हम मेजर कर सके स्केल से, 10 सेंटीमीटर 20 30 5 7, तो हम क्या इसका हाफ कर देंगे स्केल से भी, बट कुछ ऐसी है 7.5 7.8 9.5, तो उसको हम एक्यूरेट मेजर जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्रकार है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रकार से क्या करेंगे, ये देखिए हम आइडिया तो ले ही सकते हैं ना, इसका हाफ कितना हो सकता है, इसका हाफ लगभग ये है, ठीक है, ये आइडिया होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, प्रकार रखेंगे, प्रकार का जो पॉइंटर है यहां रखेंगे, पेंसिल जो है हाफ से ज्यादा खोल लेंगे, पेंसिल की तरफ से क्या करेंगे हाफ से ज्यादा प्रकार खोल लेंगे, और हम कर्व लगा देंगे, क्या लगा देंगे कर्व। ये जो कर्व लगाना है ये आपने क्या लगाना है, डॉटेड लगाना है, ठीक है, डॉटेड। अब बात कर लेते हैं इधर, अब जितनी प्रकार आपने खोली थी उतनी खोली रखो और बी पॉइंट पर ला करके फिर से अर्क लगा दो, दो पॉइंट आ गए, कर्व ने आपस में काटा, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अब इस लाइन को और इस लाइन को आपस में मिला देते हैं,
अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास ई पॉइंट। अब पॉइंट ई से बी बराबर दूरी पे है और ई से ए बराबर दूरी पे है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक लाइन है चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस पे क्यों ना हो, उसको हम दो समान भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक बार फिर से हम कर लेते हैं कि कोई भी मेरे पास क्या है, एक लाइन है ए एंड बी, इसको क्या करना है मैंने दो पार्ट में विभाजित करना है। तो प्रकार को क्या करूंगा मैं, हाफ से ज्यादा खोलूंगा, हाफ से ज्यादा खोला तो मैंने क्या किया कर्व लगा दिया, ठीक है। इसी तरफ यहां से जितना खोला हुआ था उसी को उतना प्रकार यहां रख के चाप लगा देंगे, कर्व लगा देंगे, पॉइंट एक ही आ गया एक ही आ गया, इसको क्या करेंगे हम मिला देंगे। तो जो हमारा पॉइंट बन गया ई, ई से बी और ई से ए क्या है समान, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, एक रेखाखंड को दो समान भागों में हम विभाजित कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में जो बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस है, एंगल्स हम कैसे बनाएंगे, किसी भी लाइंस के अलग अलग प्रकार से पार्ट्स हम कैसे कर सकते हैं, वो सारे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट।